सुन पिंकी, गोल्डी चाचू हमारे साथ रात में चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे वाह! अच्छा सुन सुन, मैंने ना मेरे घर पे बोला है कि मैं पढ़ने के लिए तेरे घर आ रही हूँ, तो तू भी यही बोलना कि तू पढ़ने के लिए मेरे घर आ रही है। ये ठीक है। वैसे तुझे पता है, मेरे डैड ने मुझे बोला कि अगर मैं मैथ्स में अच्छे नंबर से पास हो गई ना, तो वो मुझे अब्रॉड लेके जाएंगे घुमाने। क्या बात कर रही है, वाओ! फिर क्या, मैंने तो अब्रॉड जाने की पैकिंग भी कर ली। चल हम लोग रात को मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। रात को किसे मिलने जाने की तैयारी हो रही है? अरे वो मम्मी, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं पिंकी के यहाँ जाकर पढ़ लूँ। मेरा पुत्र पढ़ाई करेगा? अरे वेरी गुड गर्ल, पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ना। मैंने ना तेरे लिए मन्नत मांगी थी तेरे एग्जाम्स के लिए, मैं तब तक दिया जला के आती हूँ। गुड गर्ल। बाय मम्मी। बाय बेटू। नीतू, मैं आ गया, पानी पिलाओ। चिंकी की पढ़ाई कैसे चल रही है? चिंकी, चिंकी, चिंकू कहाँ है भाई? चिंकी गई है पिंकी के घर पढ़ाई करने। क्यों, अपना घर छोटा पड़ रहा है पढ़ने के लिए? मजाब। अरे भाई, रोज पिंकी आती थी, आज चिंकी चली गई। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ये बच्चे भी ना, ये नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं नहीं पढ़ाई करने के। चलने पड़ो बे। भूपी भाई। नीतू भाभी। भाई। नीतू भाभी। करो भाई टीवी, टीवी। क्यों? हमारा टीवी नहीं चल रहा? भूपी भाई, बुरी खबर है, प्लीज टीवी ऑन कीजिए। क्यों भाई, कुलकर्णी साहब भी आठवीं में फेल निकले क्या? फिर तो तुम्हारी मूछें वाकई खतरे में। अरे मेरी मूछों पे नजर मत डालिए भूपी भाई, ये न्यूज देखिए। लक्ष्मी चंद विद्या मंदिर स्कूल के प्यून को किसी गोल्डी नामक व्यक्ति को आठवीं कक्षा के एग्जाम पेपर लीक करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। क्या होगा इस एजुकेशन सिस्टम का अगर इसी तरीके से हाथों हाथ पेपर बिकते रहे? ये गोल्डी चिंकी की क्लास के पेपर खरीदने क्यों गया था? भाभी ऐसा तो नहीं कि चिंकी ने गोल्डी को पेपर खरीदने के लिए कहा हो। अरे पर चिंकी कहाँ गोल्डी के साथ दिखाई दे रही है? हाँ, मैं पिंकी को फोन करती हूँ। हाँ। नहीं नहीं, वो दोनों वहाँ भी नहीं हो। ये आपको कैसे पता? नहीं नहीं, मतलब कहीं और भी हो सकते हैं, जरा दिमाग खोल के सोचो। टंडन साहब, मैं कुछ नहीं सोचना चाहती, मैं बस पता करना चाहती हूँ चिंकी वहाँ है या नहीं। हेलो, मैं चिंकी की मम्मी बोल रही हूँ, चिंकी है वहाँ पे? क्या पिंकी ये बोलकर गई है कि वो हमारे घर आ रही है पढ़ाई करने? कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताती हूँ, वो लोग दोनों वहां नहीं है। भाभी, इससे पहले की बात बिगड़ जाए, हमें रिंकी और टिंकी का पता लगा नहीं होगा। टंडन साहब, आप इतने शांत क्यों बैठे? हमारी चिंकी का सवाल है। हाँ, आप चिंकी के पप्पा और आप इतने रिलैक्स बैठे हो। हाँ। नहीं नहीं, रिलैक्स क्यों कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि गोल्डी और दोनों बच्चियों को पुलिस पकड़ के ले गई हो। भाई, इतने लोगों को पकड़ के पुलिस क्या पकड़म पकड़ाई खेलेगी? पुलिस पकड़ती है पर इतना भी नहीं पकड़ती। अरे भूपी भाई, आप सब कुछ इतना हल्के में क्यों ले रहे हो? हल्के में ले रहा हूँ? अरे मेरा दिल कितना भारी है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उस गोल्डी की वजह से मेरी बच्ची मुसीबत में फंसने वाली, उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं। अरे गोल्डी को पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस उसे छोड़ेगी, आपने तो पकड़ा नहीं है तो आप छोड़ कैसे सकते हैं? टंडन साहब, आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आप गुस्से में हो। हाँ। अरे मैं गुस्से में हूँ। लो, आप गुस्से में लग रहे हो? अरे भाई, मैं अंदर से गुस्से में हूँ। पहले हमें ये पता करना है कि चिंकी पिंकी कहाँ। हाँ, ये डिस्कशन बंद करो और पुलिस स्टेशन चलो। चलो 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 चलो। गोल्डी ने मेरी चिंकी के साथ ये किया, उसे तो मैं देख लूंगा। कुर्ते के दाग को मिटने में कम से कम 2 दिन लगते हैं और ये पुलिस से 2 घंटे में छूट के आ गया। चिंके, तू गोल्डी के साथ थी? चल यहां से। अरे ये क्या किया तूने? अगले 2 साल के लिए तुझे स्कूल से निकाल देंगे चिंकी। गोल्डी, एक सेकंड। चिंकी, अंदर जा। गोल्डी, जा चिंकी, अंदर जा। गोल्डी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मेरी बात तो सुनो। तू कुछ भी बोले उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ, हम तुझे माफ नहीं करने वाले। हाँ, और रूपल ने एक बार बोल दिया ना, माफ नहीं मतलब लाइफ टाइम नहीं। भूपी भाई, आप भी तो ऐसे कुछ बोलो। अरे भूपी भाई क्यों बोलेंगे,
उनके कहने पर ही तो मैंने ये सब कुछ किया है। क्या क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था कि चिंकी ऐसा कर सकती है। गोल्डी इधर आओ, तुम चिंकी के साथ जाओगे और वो पेपर लोगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत रास्ते पे जा ही रही है। और अब आप भी? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ पे पुलिस होती है। अरे तुम घबराओ मत, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। मैंने आपका नमक खाया तो आप तो मेरा पूरा तेल ही निकाल रहे हो। अबे तेल घी की बातें बाद में, जाओ। जाओगे या खाओगे? खाऊंगा, जाऊंगा। हे भगवान, समझे? ये मेरा और भूपी भाई का पूरा प्लान था। भूपी भाई ने ही तो पुलिस को फोन करके वहाँ पे भेजा था। तभी मैं सोचूं इतनी बड़ी बात हो गई और आपके चेहरे पर चिंता का चौ भी नहीं था। वैसे मानना पड़ेगा भूपी भाई, क्या प्लान सोचा है, मास्टर प्लान एकदम। वाह भूपी भाई, मुझे भी आपने नहीं बताया। टंडन साहब, आप सीधे सीधे भी तो चिंकी को समझा सकते थे ना, ये इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। हाँ रोक सकता था, पर रोकने से वो कोई और रास्ता ढूंढ लेती। मैं उसे बताना चाहता था कि पकड़े जाने पर क्या अंजाम हो सकता है। उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो अब तक यही समझ रही है कि उसे और गोल्डी को पुलिस ने बेल पे छोड़ रखा। अच्छा, मतलब लोग अपने बच्चों को डांट कर उन्हें सिखाते हैं, लेकिन आपने जो किया ना उससे तो चिंकी को लाइफ टाइम की सीख मिल गई है। अरे गोल्डी, पिंकी कहाँ है? अरे मैं उसे उसके घर तक छोड़ आया हूँ और उसके पेरेंट्स को भी समझा दिया है। थैंक यू गोल्डी। थैंक यू की क्या जरूरत है भाभी, चिंकी ने जो 10,000 दिए वो है मेरे पास, वो काफी है। एक मिनट, मैंने चिंकी को कोई 10,000 रुपए नहीं दिए। अरे चिंकी को पैसे मैंने दिए थे। हाँ वाह वाह, चिंकी को चीटिंग करने के पैसे तुमने दिए? तुम्हारी मुझे तो इसी वक्त अभी ऊपर। नहीं अभी सुनिए तो सही भूपी भाई, अरे चिंकी से उसकी स्कूल की फीस कहीं खो गई थी तो उसने कहा चाचू मुझे हेल्प कर दो, मुझे मम्मी से डर लग रहा है, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। चिंकी ने झूठ बोल के पैसे लिए? मतलब चिंकी झूठ बोलना भी सीख गई है। चिंकी, चिंकी। हेलो, मैंने बोला ना, तो फिर तू क्यों चौधरी बन रहा है? चिंकी। चिंकी। बच्ची है, आस्ते आस्ते। इधर आओ। एक बात बताओ, पिछले कई दिनों से तुम अच्छे से रेगुलरली और सिंसियरली पढ़ रही थी, फिर तुमने पेपर खरीदने के बारे में कैसे सोचा? वो आइडिया पिंकी का था, लेकिन डिसीजन हम दोनों ने मिलके लिया था। हम लोगों ने 10,000 रुपए पूल इन करके, मतलब जोड़ के। हाँ हाँ, पूल इन का मतलब मुझे पता है, आगे बोलो। पेपर खरीदने के बारे में सोचा। अब क्या होगा पा? होगा ये बेटा कि अब तुम्हारे 2 साल तो हो गए खराब, और अब किसी भी स्कूल में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर मैं फेल होती तो मेरा सिर्फ 1 साल वेस्ट होता, लेकिन मेरे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। सॉरी पा, काश मुझे एक और मौका मिल पाता। मौका तुम्हें मिलेगा। कैसे? क्योंकि पुलिस को मैंने ही खबर दी थी। किसी को ये नहीं पता कि तुम पेपर खरीदने गई थी, बल्कि स्कूल और पुलिस दोनों यही जानती है कि तुमने ही पुलिस को खबर की। सच में पा? हाँ पा। और नीतू तुम्हें क्या लगता है, फिक्र सिर्फ तुम्हें ही है? मुझे भी उतना ही कंसर्न है। देखो घबराने से कुछ नहीं होगा, कभी कभी बच्चों को सीधा करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जैसे परिमल मियां को अपनी बात मनवाने के लिए रूपल के खाने की झूठी तारीफ करनी पड़ती है। जोकिंग अवे, कल रात की दाल ढोकड़ी। चुप रहे। देखो बच्चे, एग्जाम में पास होना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मेहनत से पढ़ाई करना, सिंसियरली पढ़ाई करना। अच्छा फर्ज करो कि तुम चीटिंग करके फर्स्ट आ भी जाती तो उस बच्चे का क्या होता जिसने रात रात भर जागकर मेहनत की, उसका हक तो तुम छीन लेती। नॉट फेयर। और हम टंडन तो दूसरों के हक के लिए दुनिया से भिड़ जाते। सॉरी पा। हाँ, वो मैं डर गई थी,
कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो आप दोनों मेरी शादी करा दोगे। शादी एक औरत होने के नाते आपने ऐसे कैसे सोचा? नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, इतनी छोटी उम्र में। एक मिनट। चिंकी तुझे ये बात किसने बताई? पापी तो उस दिन मम्मी को कह रहे थे कि अगर ये फेल हो गई तो तुम्हारा वाला आइडिया इस्तेमाल कर लेंगे और इसकी शादी करा देंगे। देखा देखा देखा, पर मैं तो तुम्हारी मम्मी को यहाँ कह रहा था। मैं वहाँ सुन रही थी। अरे बेटा वो मजाक था। फुल पकड़े गए तुम्हारा बच्चा। आप पे गया है? हाँ। बेटा तुम्हारी उम्र थोड़ी हुई है शादी की, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है। हाँ। तुम पढ़ाई करो और कोई प्रेशर मत लो बस। और पहली बार में पास होना हो, चौथी बार में नहीं। थैंक यू पा, थैंक यू मम्मी। पा आज आपने मुझे वो बात सिखा दी जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। और मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और पूरी ईमानदारी से पास होके दिखाऊंगी। नो शॉर्टकट। इसी बात पर अब मैं भी एक चीज प्रॉमिस करता हूँ। क्या? कि हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। कभी नहीं? नहीं नहीं अभी नहीं। हाश चिंकी तुमने मेरी मूछें बचा ली, तुम बचाओ। हाँ चाचा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक सेकंड कुलकर्णी साहब। हाँ बोलिए कुलकर्णी साहब। परिमल को? हाँ हाँ ठीक है ठीक है भाई। परिमल कुलकर्णी साहब ने सवेरे घर पे बुलाया। क्यों? उनकी भाई छुट्टी पे है ना, तो कह रहे थे अब उनके घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। क्या जोकिंग रे चकुरा। भूपी भाई जिंदगी के हर कठिन मोड़ पर करो प्रभु की भक्ति, कठिनाई कभी तुम्हें छू भी नहीं सकती। पांच उंगलियां नहीं होती एक समान, वैसे ही एक से नहीं होते दो इंसान। सबका होना चाहिए सम्मान, तभी खुश होते हैं भगवान। सत्यवचन बाबा जी सत्यवचन। चाय 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 भाभी भाभी जल्दी से चाय दे दो चाय। अरे ये कब तेरे पास था? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। अरे कल रात को इसमें दाल लेके गया था ना। हाँ और तूने इस कप को अभी तक धोया भी नहीं है। गोल्डी गोल्डी इसी में तू चाय पिएगा? हाँ अंदर जाके तो सब सेम है। गंदा ला मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ और गाठिया। या चाय और गाठिया? गाठिया कौओं के लिए। भाभी आपके घर का मेहमान भूखा और गाठिया कौओं को दे रही है। वो देख शिवानंद बाबा ने कहा है कि कौओं को गाठिया खिलाने से पुण्य मिलता है। खुद कौए की तेरा काम 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 करते रहता है ना, इसीलिए कौओं को देने से पुण्य मिलता है। एक बात बता, ये जो गाठिया है वो तो गुजरातियों का फेवरेट फूड है ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर क्या कौवे भी गुजराती होते? गुजराती कौवे? नहीं गुजरात से उड़ के आए होंगे। मैं तो कहता हूँ कि परिमल और रूपल भाभी को भी थोड़े डाल आता हूँ, पुण्य मिलेगा। अच्छा उसका नसीब देखो परिमल का, इधर से गाठिया रूपल की तरफ से लाठिया। भाई आराम से आराम से आराम से। अरे गाठिया। वाह गाठिया कौवे के लिए है। अरे कोई बात नहीं भाभी, मुझे ज्योतिष ने कहा था कि गए जन्म में मैं भी कौवा था, इसीलिए तो काम काम भी कर सकता हूँ। देख तू गाठिया है ना कौवे के लिए रहने दे, तेरे लिए मैंने गर्मा गर्म पराठा बनाया है, तू वो खा। वाओ गर्मा गर्म पराठा, बैठ जा खा ले। लाओ लाओ लाओ। गोल्डी 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 गोल्डी। तलवार को म्यान, बुद्धि को ज्ञान और इंसान को ध्यान की बहुत आवश्यकता है, आज हम ध्यान लगाएंगे। अब एक पांव पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़कर हाथ ऊपर कर नमस्कार करें। पापा जी की आवाज कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही? आप इसी तरह ध्यान में आगे बढ़ते आगे बढ़ते, बस आगे बढ़ते जाइए। ओह माय गॉड,
तो मोबाइल ही टूट गया। मोबाइल टूट गया। एक कौवे अपनी दुकान उठाओ और जाओ अपने फ्लैट में बैठ के पराठे में चोंच मारो। टंडन साहब सॉरी, वो सेवानंद बाबा ने मुझे ध्यान लगाने के लिए कहा था। अरे तो थोड़ा ध्यान इधर भी दे देती। वो योगासन कर रही। अरे योगासन के चक्कर में ये 40,000 का फोन मेरा टूट गया, उसका क्या? टंडन साहब आप बिल्कुल टेंशन ना करो, मैंने ना ऑनलाइन देखा है कि अगर मोबाइल में कोई गड़बड़ी हो जाए ना तो मोबाइल और बैटरी दोनों को अलग करके चावल के डिब्बे में रख दो, मोबाइल ठीक हो जाता है। तुम क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली हो? पाषाण युग की औरत कौन से जमाने की बात कर रही हो? मोबाइल टूटने पे नहीं, मोबाइल जब पानी में गिर जाए तो उसे चावल के डब्बे में रखने से वो ठीक हो जाता है, पर ये तो स्वाहा हो गया। औरतें चांद तक पहुंच गई हैं और तुम अभी तक चावल के डब्बे में अटकी हुई हो। गूगल को देखो, कितनी स्मार्ट है वो। और वो मिसेस कुलकर्णी, वो कितनी इंडिपेंडेंट है, तभी तो कहती है कॉल मी माधुरी। और वो मिसेस शर्मा, वो कितनी इंटेलिजेंट और कितनी फिट है। वाह, बस आपको तो मुझे सुनाने में बड़ा मजा आता है। एक तो दो दिन से ये मैसेज आ रहे हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, फ्लावर्स भेज रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। होगी कोई तुम्हारी भूली बिसरी चाची, मामी, मौसी, पूपी, जिनको तुम हमेशा घर में मुझसे पूछे बगैर इनवाइट करती रहती हो। उनका नंबर सेव नहीं किया इसलिए अभी पहचान में नहीं आ रही किसने फोन किया है। देखो तुमसे कितनी बार मैंने कहा कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए अपने आप को सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट करो, नहीं तो रह जाओगी उसी चावल में अटकी लटकी और भटकी हुई। देखो जी, सॉफ्टवेयर और इंसान में फर्क होता है, और आप तो मुझे डांटने का बस बहाना ही ढूंढते रहते हो। पापा जी ने कहा है कि दो इंसान कभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए एक औरत होने के नाते मेहरबानी करके मुझे किसी से कंपेयर ना करें, बस। अपने को अपडेट कर लो। नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। अपडेट कर लो। नहीं करूंगा। टंडन साहब ने इससे पहले मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की है, सच कह रही हूँ रुपल, मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है। भाभी भाभी, आप जिस तरह से वो लेडी फिंगर काट रही है ना, ऐसा लग रहा है लेडी फिंगर नहीं आपके फिंगर की भाजी खानी पड़ेगी। और आप ज्यादा सोचिए मत, ये हस्बैंड लोग ना होते ही ऐसे। हाँ, पर इससे पहले टंडन साहब ने मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं की है रूपल, गलती क्या हो गई मुझसे? बस एक 40,000 का मोबाइल ही तो टूट गया। क्या बताए भाभी, ये मोबाइल चलाते चलाते ना ये हस्बैंड लोग हमें अपने हाथ का रिमोट समझने लगते हैं। शादी के पहले हम उन्हें चंद्रमुखी लगती हैं, और शादी के बाद हम ही उन्हें ज्वालामुखी लगने लगते हैं। टंडन साहब मुझे क्या समझते होंगे, चंद्रमुखी या ज्वालामुखी? अरे ये तो एक एग्जांपल था भाभी। अच्छा सॉरी, पर रूपल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको ठीक करने के लिए। अब देखिए भाभी, एक तरीका है जिससे आपकी ये हस्बैंड नाम की गाड़ी पटरी पर आ सकती है। मतलब ये कि दो चार दिनों के लिए ना आप भूपी भाई से रूठ जाओ, हैं? फिर देखना कैसे वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कौन है भाई? हेलो हेलो, अरे भाई साहब फोन करा है तो बोलो तो सही, कमाल है। ये पता नहीं क्या हो गया फोन को, आजकल मैसेजेस भी आते हैं हाय शाय पता नहीं क्या क्या, और बोलता भी नहीं है कोई फोन करता है तो। मुझे दीजिए फोन, मुझे दीजिए, मुझसे बात करेगा। कौन बोल रहे हो तुम, जवाब दो, हिम्मत है तो नाम बताओ अपना, फिर देख मैं तेरा कैसा घूसा निकालती हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ रूपल, मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया है इसलिए किसी और के मोबाइल से फोन कर रहा हूँ। भूपी भाई सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, भूपी भाई है? हाँ जी टंडन साहब। नीतू मेरी चेकबुक निकाल के रख देना, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाभी क्या? हाँ जी हाँ जी, अभी तो आपको बताया था दो चार दिनों के लिए आपको भूपी भाई से रूठना है। हाँ, मिंडी काट लेना। हाँ ओके ओके, क्यों ना मैं भी चेक करूं कि परिमल की नजर में मेरी कोई इज्जत है या नहीं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.